हाई स्कूलों में जाकर, फैंसी स्कूलों में जाके ड्रग करके सिगरेट पीकर मैंने जो है गरीबी जो है किताबों में नहीं पढ़ी है। हम लोग जो है वो हम मेहनती घरों से आते हैं, हम लोग जो है वो सामान्य परिवारों से आते हैं, हम में संस्कार है, हम कभी गरीब का पैसा नहीं मार सकते, हम चाहे अपना सब कुछ लुटा देंगे समाज सेवा में मगर जनता का कुछ नहीं खा सकते। ऐसे चोरों की पार्टी है ये। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य अमहा चोर, वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है ये लोग। मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। तुम लोग विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। दोनों माँ बेटा जो है वो सत्ता के भूखे हैं, बहुत ज्यादा इनको जो सत्ता की भूखे हद से ज्यादा हो गई है, घमंड में चकनाचूर हो गए हैं और वो अपनी सब जो है सब अपनी जो मर्यादाएं भूल गए हैं। हमारे जो नेता हैं, आज जयराम जी को देखो, इतने सालों का करियर, मैं कहती हूँ उम्र में नहीं लेकिन तजुर्बे में, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज तक इतने सालों में जयराम जी ने कभी कोई मर्यादा नहीं लांघी, कभी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोली। और विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि मैं जयराम को डंडा मारूंगा, विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि जयराम रक्षक नहीं है भक्षक है, विक्रमादित्य जो है वो कहता है मैं स्वराज में डेंट मार के दिखाऊंगा। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है? आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग जयराम जी से। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहां पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। एक चोरों की सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे तैसे हमें जो है ये 1 जून का मौका मिला है, अब हमें हाथ से नहीं जाने देना है। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो चाहे वो मेरे खिलाफ हो, मुझे कल कहता है कि ये जिस जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेप क्या है, और मैं तो इनको कहती हूँ पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे, ये पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है, ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में यूट्यूब में हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इन चीजों का हमें विरोध भी करना है और भविष्य में ऐसी चीजें ना निकल कर आए इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मैं उनको कहना चाहूंगा मोहतरमा जी, ये जो कुर्सी है बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या मंत्री की कुर्सी है या विधायक की कुर्सी है, इस पे कोई चिपकता नहीं है, इस पे जनता चुनकर आपको वहां पर भेजती है। और जनता ने राजा वीरभद्र सिंह जी को बार बार चुना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, रिकॉर्ड
6 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो चुनकर लोगों ने उस कुर्सी के ऊपर राजा वीरभद्र सिंह जी को बनाया। हम कोई चिपकने वालों में से नहीं है, जनता ने प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से हम उस कुर्सी के ऊपर विराजमान है। अगर आप कहती हैं कि ये कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे? वो भी तो 2000 से लेकर लगातार 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, करीबन 10 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, 75 साल का उन्होंने नारा दिया कि 75 साल के बाद अपने नेताओं को रिटायर कर देंगे, 74 साल की उम्र माननीय प्रधानमंत्री जी की हो चुकी है, क्या आप मोदी जी को भी कहेंगे कि मोदी जी आप भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब आप मेरे लिए कुर्सी को छोड़े, क्या इतनी हिम्मत है आपकी कहने की? इस तरीके की बातें कहना, राजनीतिक मंच पर कहना, मैं समझता हूं कि वो शोभा नहीं देता। केवल मोदी जी का गुणगान करके, केवल मोदी जी का जाप करके आपकी नैया पार नहीं होने वाली। और वैसे भी वो लोग जो दो नाव के ऊपर सवार होते हैं, एक टांग बंबई में है, एक टांग हिमाचल में है, वो नाव बहुत जल्दी समुद्र में डूबने वाली है। इसलिए आप अपना बोरी बिस्तर पैक कर लीजिए और 4 तारीख को वापस मुंबई जाने की तैयारी करें। आपकी कई फिल्में अभी जगत में, बॉलीवुड जगत में बची हुई है, कई फिल्में आपने वहां पर करनी है, आप जाकर अपनी फिल्में करिए और यहाँ का काम आप जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ के भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हमने यहाँ पे जितना विकास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है, ठाकुर कौल सिंह जी ने किया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प हम सब मिलकर